सुबह उठने के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जान के क्या होगा, क्योंकि जानने के बाद भी आप लेट से ही उठोगे, आपका वही डेली रूटीन रहेगा। फिर भी इस वीडियो में ऐसा क्या खास है कि आपको इस वीडियो को देखना चाहिए? कुछ भी नहीं। इस वीडियो में कुछ भी खास नहीं है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी जिंदगी को लेके जरा सा भी सीरियस नहीं है, जो लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं खुद के लिए, जिन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो आगे क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कैसे जिएंगे, किसी बात से नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कभी अपने कम्फर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, वो लोग अभी के अभी चाहे तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी को लेके जरा सा भी सीरियस हैं, मैं उन सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगे कि मैंने आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट किया है, अगर आपको जरा सा भी कुछ सीखने को ना मिले, कुछ जानने को ना मिले, तो आप बेझिझक हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं वीडियो पे, सुबह उठने के फायदे। सबसे पहले तो हमारे लिए ये सवाल आता है कि ये जानने की जरूरत क्या है। इसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो, आप कोई भी काम करते हो अपने फायदे के लिए। आप पढ़ाई करते हो ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको, आप बिजनेस करते हो ताकि आप अमीर बन सको, आप कोई भी काम करते हो तो अपने फायदे के लिए। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे लिए सुबह उठना इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि सुबह उठने से होता क्या है, सुबह उठने के फायदे क्या हैं, तो हम आराम से सुबह को उठ सकते हैं। इसीलिए ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 8 सबसे इम्पॉर्टेंट फायदों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं सुबह उठने के सबसे पहले फायदे की, जो है एक्स्ट्रा टाइम इन अ डे। दोस्तों, सुबह उठने का सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिल सकता है। अगर मान लो आप सुबह को 4 बजे उठते हो और अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हो, वहीं एक इंसान है जो सुबह को 10 बजे उठता है, तो आप ही सोचो कि जब तक वो इंसान उठेगा, सोचेगा कि क्या करना है, तब तक आप अपने दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम खत्म कर चुके होंगे, और उसके बाद भी आपके पास पूरा दिन बचा रहेगा। आप चाहो तो कोई स्किल सीख सकते हो इस बीच में, या फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को कैसे यूज करते हो। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम पहले ही खत्म कर लिया है दिन के शुरुआत में ही। अब आप इस बचे हुए टाइम को जैसे चाहो वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सुबह उठने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, अगर आप अपने जिंदगी में कोई भी गोल जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हो, तो इसके दो रास्ते हैं। या तो आपको पूरे दिन में 24 के जगह 48 घंटे मिल जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या दूसरा आप अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लो, जिससे आप 4 घंटों के काम को बस 1 घंटे में कर सको। और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि उस टाइम आपका सराउंडिंग बिल्कुल शांत होता है, किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, जिस वजह से आप फुल फोकस के साथ किसी भी काम को कर सकते हो। और आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को 4 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की, जो है बेटर मेंटल हेल्थ। आप मानो या ना मानो, आज के यूथ में ये बहुत ही कॉमन देखा गया है कि आजकल के जो यूथ है वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। आजकल ये बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप भी ये सारी चीजें फेस करते हो, तो आप सुबह उठ के योगा या मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। एंड बिलीव मी, आप अगर इस चीज को फॉलो करते हो, तो आपको day 1 से ही खुद के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। आपका ब्रेन बिल्कुल काम एंड रिलैक्स रहेगा, और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी, जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगी। अब बात करते हैं सुबह उठने के चौथे फायदे की, बेटर स्लीप क्वालिटी। दोस्तों, आज के जेनरेशन में ये पाया गया है कि आजकल लोग रात को ज्यादा लेट तक जागते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है फोन। लेट तक जागने की वजह से लोग एक प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, और सुबह को लेट से उठते हैं, या अगर जल्दी उठ भी जाते हैं जबरदस्ती, तो वो पूरे दिन लो एनर्जी फील करते हैं। इसीलिए हमें अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह जल्दी
जल्दी उठोगे तो इससे आपको रात में जल्दी नींद आएगी और आपकी स्लीप क्वालिटी भी ज्यादा बेटर हो जाएगी पहले से। और जब आप एक क्वालिटी स्लीप ले पाओगे तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के ये थे 4 फायदे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो का ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि बी द ओनली वन और द बेस्ट वन।